गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। अच्छा, ये कौन सी क्लास है? तीसरी और चौथी। अच्छा, किताब पढ़नी आती है? सभी को थोड़ी आती है? नहीं। आधों को नहीं आती? नहीं। गलत बात है। अच्छा, क ख ग ए एन आर आ आम ये सब आते हैं? सबको आते हैं? अब मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखो, काल समझो, काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। आपको ये ऐसी परिभाषा समझ में नहीं आती है ना? काल किसे कहते हैं? नहीं समझ में आया? ऐसे लिख कर देते हैं उसे समझ में नहीं आता ना? लो मैं सिंपल तरीके से, सरल तरीके से बताता हूँ काल क्या होता है। पहले आप क्रिया को समझ लो, पहले आप क्रिया को समझो, ठीक है? क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जिससे काम करने का पता चलता है। काम करने का जैसे देखो, मैं दो तीन एक वाक्य लिखता हूँ, उसमें कुछ शब्द आएंगे, उनको देखना है, ठीक है? अब देखो आप, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, और अलग अलग करें तो ये अक्षर है। क्या है ये? अक्षर है। अक्षरों से शब्द बन जाता है, शब्दों से वाक्य। अभी सीखा आपने, तो ये एक वाक्य हो गया, इतना बड़ा हो गया ना? ये दूसरा, ये एक वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, ये तीसरा वाक्य है, ये चौथा वाक्य है। मुझे ये बताओ, इस वाक्य में कितने शब्द हैं? एक दो तीन चार, चार शब्द हो गए। अक्षर कितने हैं? एक मैं हो गया, एक ओ हो गया, ओ दो हो गए ना। फिर ये है के साथ ए और है, फिर ने के साथ भी ए, छः हो गए, दो दो चार दो छः, इसके साथ ए नहीं है, नहीं। तो ये एक ही है। फिर ये दो हो गए, क और उ, दो हो गए, ये भी दो है, ले और ए, तो एक दो तीन चार पाँच। वेरी गुड, पाँच कौन बोला? सही। अरे वाह, लीला तो शानी हो गई। ये देखो इसमें कितने अक्षर हैं? चार। वेरी गुड, वेरी गुड। बताऊँ चार कैसे है? एक ज एक आ, एक ते एक आ, हो गया ना? और ये पूरा क्या बन गया? शब्द। और ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा वाक्य। ये पूरा क्या बन गया? तो इस वाक्य में एक दो तीन चार शब्द हो गए। अब देखो, मैं आपको क्रिया बताने वाला था ना, तो यहां देखो, जिन शब्दों से काम के होने का पता चलता है, क्या काम हो रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। तो यहां देखो, खाता है, फल खाता है। राम क्या काम करता है? फल खाता है। क्या काम कर रहा है? काम क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये शब्द क्रिया है। क्रिया क्या होता है? जिससे खाने का पता चलता है, या किसी काम का पता चलता है। यहां देखो, मोहन स्कूल जाता है, अब जाने का पता लग रहा है ना? क्या काम कर रहा है? जाता है। क्या काम कर रहा है? तो ये क्रिया है, जिससे काम का पता चलता है, वो क्रिया होती है। क्रिया काम, क्रिया काम, क्रिया काम, है ना? काम का पता चलता है। ये क्या पता चलता है? कि कोई लड़का है। ये क्या पता चलता है? वो पढ़ने वाली जगह है, स्कूल है। इससे क्या पता चलता है? कोई काम हो रहा है, जाने का। इससे क्या पता चलता है? जाने का काम हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? जाने का पता चल रहा है। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? खाने का पता चल रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ? क्या काम हो रहा है? खाने का। यहाँ क्या काम हो रहा है? जाने का। यहाँ क्या काम हो रहा है? खेलने का। यहाँ क्या काम हो रहा है? पीने का। कोई पूछे, राधा क्या काम कर रही है, तो आप क्या बताओगे? दूध पी रही है, है ना? खाना पीना चलना बैठना, ये क्या है? क्रिया। एक निशानी और बताऊं, कोई वाक्य होता है ना, वाक्य उसके आखिर में क्रिया आती है, आखिर में आती है। ये देखो, बाद में आई है,
ये क्रिया होती है। खाना पीना दौड़ना बैठना ये क्या है? क्रिया। समझ में आई बात? अब यहां देखो, क्रिया के रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, समय कि वो क्रिया कब हुई है, वो क्रिया कब हुई है, पहले हुई है या अब हो रही है या आगे होगी, इसका पता चलता है। तो यहां देखो तीन वाक्य लिखता हूं मैं, राम फल खाता है, राम ने कल फल खाया। पहले समझो ये ना समय, समय का पता चलता है कि काम कब हुआ है, पहले हुआ है या अब हुआ है या आगे होगा, या तो कोई बात पहले हो गई या अब हो रही है या आगे होगी। अब देखो कोई बच्चा है, या तो उसने पाठ पढ़ लिया पहले ही, या अब पढ़ रहा है, या वो कल पढ़ेगा। बात को कितने भागों में बांट सकते हैं? काम को तीन, है ना? या तो वो काम हो गया, या अब हो रहा है, या आगे होगा। देखो या तो आप नानी के पास गए थे छुट्टियों में, या बाद में जाओगे, है ना? अब देखो आप राम फल खाता है, अब खाता है ना अब, है ना? तो ये तो गया वर्तमान काल, वर्तमान, वर्तमान का मतलब अब जो मौजूद है, अब जो हो रहा है वो वर्तमान है। तो ये अब खा रहे ना, राम फल खाता अभी तो खा रहा है। इसको पढ़ के देखो, राम ने कल फल खाया, तो ये तो काम पहले हो गया, इसको बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल जो पहले हो गया उसको, जो समय बीत गया उसको कहते हैं भूतकाल। राम अब फल खाता है या कल खा लिया, खा लिया। तो वो भूतकाल की बात हो गई, भूतकाल की बात। अब ये राम फल खाएगा, ये हो गया भविष्यकाल, भविष्य मतलब बाद में होगा, आगे। तो काल कितने होते? तीन होते हैं, या तो अब काम हो रहा है, या हो गया पहले, या आगे होगा, तीन काल होते हैं। तो अब हो रहा है ना उसको बोलते हैं वर्तमान काल, जो अब हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और जो पहले हो गया उसको भूतकाल, और आगे होगा उसको भविष्य। समझ गए? अब मैं तीन वाक्य बोलूंगा, आप बता देना वो काम कब हुआ है, ठीक है? मैं खेत जाता था, अब बताओ ये काम कब हुआ है? भूतकाल। शाबाश। कौन बोला? शाबाश। इस बच्चे को समझ में आ गया? आपको आया नहीं समझ में? देखो जो काम पहले हो जाता है ना पहले, उसको भूत, तो भूतकाल जो बीत गया वो। अब मैं दोबारा बोलूंगा, आप बताना। मैं दूध पीता था, कौन सा है? अब या पहले या आगे? हाँ, भूतकाल, दूध पीता था। ये देखो ये तो है अब, दोबारा देख लो अब, और ये है कल, था था था, ये है अब होता है, और ये हो गया था, ये हो गया था, और ये है होगा, होगा जो होगा आगे होगा वो। दोबारा लिख रहा हूं, यहां देख लो, एक तो है वर्तमान काल, एक है भूतकाल, और एक है भविष्य। अब देखो वर्तमान का मतलब है अब हो रहा है, और भूतकाल का मतलब है था, और ये होगा आगे होगा। अब मैं बोलूंगा आप बताना, राम खेत जाता था, हाँ भूतकाल, राम खेत जाता है, हाँ वर्तमान, और राम खेत जाएगा, हाँ भविष्य। अब समझ में आ गया, चिड़िया दाना लाती है, अब काम हो रहा है ना, अब लाती है ना,
वर्तमान। चिड़िया दाना लाएगी, हाँ आगे होगा वो, और चिड़िया दाना लाती थी भूतकाल। अब आपके समझ में आ गया काल है, काल समझ में आ गया। काल तीन प्रकार के होते हैं, एक तो अब काम हो रहा है वो, एक पहले काम हो गया वो भूतकाल, एक आगे कोई काम होगा वो भविष्यकाल। तो अब देखो, अब यहां जाओ, काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का, कब हुआ वो, पहले हुआ या अब हुआ या आगे होगा, उसके होने का समय का पता चलता है ना, उसको काल कहते हैं। भी वो काम कब हुआ है, वो क्रिया कब हुई है, क्रिया मतलब काम, वो काम कब हुआ है उसका समय का पता चलता है समय का। काल मतलब समय, काल मतलब समय कि किस समय वो क्रिया हुई है, कब हुआ है वो काम। ये तो एक तो है अब वर्तमान काल, अब वर्तमान काल, और पीछे का भूतकाल, और आगे का भविष्य। कल नल में पानी आया था भूतकाल। आपको वाक्य नहीं बोलना, सिर्फ काल बोलने हैं। दोबारा सुनो, कल नल में पानी आया था, आज नल में पानी आया है, हाँ कल पानी आएगा, शाबाश। अब बताओ दोबारा, मैंने एक हाथी देखा था, शाबाश। मैंने हाथी देखा है, मैंने हाथी देखा है, वर्तमान। मैं हाथी देखूंगा, अब दोबारा बताओ, तेरा नाम क्या है, कमला। अब मैं एक वाक्य बोलूँ, आप बताना, कमला नानी के पास गई थी, भूतकाल। कमला नानी के पास है, वर्तमान। एक ही बच्चा ज्यादा बोल रहा है, आपकी समझ नहीं आई तो बोलो फिर, कमला नानी के पास जाएगी, हाँ भविष्यकाल। अब आपके काल समझ आ गया ना। अब जो जो चीजें आपने सीखी है वो दोबारा बता रहा हूं, एक तो हिंदी में होते हैं अक्षर, उनको क्या कहते हैं, अक्षरों को क्या कहते हैं, तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं सारे मिलाकर, 44। तो इनके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में कौन से होते हैं, स्वर में 11 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो 11, हाँ ए आ ई ई वो होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग घ वो होते हैं। तो ये 11 और 33 44 हो गई, ये तो होते हैं अक्षर। और अक्षरों के मिलने से क्या बन जाता है, शब्द। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य। अब काल के बारे में, तो काल समय को कहते हैं, काल समय को कहते हैं कि कौन सा काम, कौन सी क्रिया कब हुई है, पहले हुई थी या अब हुई है या आगे होगी। तो तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, समझ गए। अब मैं आपको ये पेपर बांटूंगा, ठीक है, इसमें वाक्य लिखे हैं वो आपको भरकर देने हैं। तीसरी चौथी क्लास है ना ये, तीसरी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब देखो क्या करना है, इसमें पहले मैं बांट देता हूँ आपको, फिर पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। ये जो आपके हाथ में पेज आए उसको पढ़ के देखना है। देखो इधर, अभिषेक खा रहा है, तो ये ऊपर है ना, भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल तीन लिखे हुए हैं ना कोने में, इनको भरना है। तो अभिषेक खा रहा है, अब है आ गया ना, तो कौन सा काल भरोगे, वर्तमान, ठीक है। फिर दूसरा है, अमित कल मेले में जाएगा, कल जाएगा, तो कौन सा काल भरोगे, कल जाएगा भविष्य, वेरी गुड। फिर तीसरा है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, हाँ इसमें भूतकाल भरोगे। रेलगाड़ी कल समय पर आई थी, कल समय पर आई थी, भूतकाल, शाबाश। चौथा है, नीरज अपने मित्र को पत्र लिखेगा,
बोलो बोलो। हाँ भविष्य काल है। कल लड़के टिकट खेलने गए थे, हाँ कल गए थे तो भूतकाल हो गया ना। आगे देखो, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, हाँ वर्तमान काल है। अब है वो, उसको वर्तमान बोलते हैं, और बीत गया उसको भूतकाल है। बीत भूत, बीत भूत, बीत भूत, है ना, जो बीत गया वो भूत हो गया, है ना। आएगा गा भविष्य, ठीक है। अब देखो, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी थी, हाँ, और पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, वर्तमान काल, और पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, शाबाश। अब देखो, रवीना स्कूल जा रही है, हाँ इसमें वर्तमान काल भरोगे। और अगर ऐसा होता, रवीना स्कूल जाती थी, भूतकाल। अब देखो, हम नानी जी के घर चलेंगे, चलेंगे, शाबाश, भविष्य आएगा। लीला खाना खा रही है, वर्तमान, और लीला खाना खाती थी, और लीला खाना खाएगी, शाबाश। अब लगता है कि आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। गोकुल पुस्तक पढ़ रहा था, शाबाश। दुकानदार ने लड़की को मिठाई दी, हाँ भूतकाल, मिठाई दी पहले दी ना, और मिठाई देता है तो वर्तमान, और मिठाई देगा भविष्य काल। हम 8 बजे टीवी देखेंगे, अब 8 बजे टीवी देखेंगे, हाँ भविष्य काल है। और 8 बजे टीवी देखा था, भूतकाल है। और अब टीवी देखते हैं, वर्तमान काल। अरे वाह।